चलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बेसिकली अगर आपकी बुलेट बाइक टोटली बंद हो चुकी है, कोई हॉर्न कोई इंडिकेटर कुछ नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो भी बताऊंगा, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए वीडियो चलते हैं आगे। बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही है, इग्निशन नहीं आ रहा, कोई हॉर्न शॉर्न कुछ भी नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फ्यूज़ देखना है। सो ये है कैप्सूल फ्यूल, मैं आपको दिखाता हूँ इसको, आप चेक कर सकते हैं। अगर बीच की तार अगर इसकी टूट गई हो तो आप इन दोनों टर्मिनल को ट्रैक कर लीजिएगा। अगर उसके बाद भी कोई सलूशन नहीं होता फिर आप ये फ्यूज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये दो फ्यूज़ हैं, यहाँ पे दो डमी फ्यूज़ होंगे एंड इनमें से कोई भी ख़राब होगा तो ये चेंज कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई सलूशन नहीं मिलता तो कोई बात नहीं भाई, भाई है आपका टर्मिनल चेक कर लेना अच्छे से टाइट है कि नहीं। बाकी ले चलते हैं फ्रंट की तरफ। तो पहले इग्निशन, ये है स्विच, इग्निशन ट्रैक करके देख लेना। अगर डायरेक्ट होके चल पड़ता है तो ठीक है, आपका लॉक ख़राब है। अगर नहीं चलता फिर आपको लास्ट में ये लेना, ये एम मीटर की वायरिंग है, अगर ये नहीं चलेगी तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। सो भाई जैसा कि आपने देखा यहाँ पे भी फ्यूज़ आपको मिल जाएंगे, ये कैप्सूल और दूसरे अलग से फ्यूज़ हैं एंड वहाँ पे नहीं सिर्फ आगे भी फ्यूज़ है, तो यहाँ पे आपको दो कैप्सूल फ्यूज़ मिल जाएंगे। एंड ये जो सॉकेट है ये चेक करना मत भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पे रस्टिंग के कारण करंट नहीं मिल पाते कभी कभार, तो उस वजह से जो करंट है पूरी सप्लाई नहीं जाती पूरी बाइक में, तो ये चीज़ें चेक कर लेना ज़रूर। और अगर ये आपको रस्ट दिखती है तो उसको रस्ट क्लीनर से साफ़ कर लीजिएगा। तो अब आपको करके दिखाते हैं स्टार्ट।